देवास पुलिस ग्राउंड पर आज पुलिस संवाद कार्यक्रम आयोजन में उज्जैन रेंज आईजी राकेश गुप्ता साहब की मौजूदगी, नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक के साथ एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसडीओपी, ग्रामीण सीएसपी, समस्त थाना प्रभारी के साथ विशेष संवाद किया गया। आयोजन में जिले के समस्त पुलिस बल के साथ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देवास जिले के लिए आगामी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा के साथ कोरोना संकट में देवास पुलिस द्वारा किए गए सेवा कार्यों की प्रशंसा भी करते हुए आईजी ने कहा कि कोरोना में प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन, देवास पुलिस के प्रयास, अद्भुत व्यवस्था, प्रदेश के बाहर से आने जाने वाले प्रवासियों की मदद प्रशंसनीय है। देवास परेड बैंड की तारीफ की आईजी ने। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में आवागमन ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष ध्यान देने की योजना पर ध्यान देने, आगामी पुलिस की कार्य योजना के बारे में बताया। सर, आप यहाँ पे आज आए, आपने पुलिसकर्मियों की समस्या भी सुनी है, कहीं ना कहीं देवास पुलिस ने भी काम करा कोरोना के समय में, अच्छा काम करा। तो क्या कहें, देखिए इसमें कोई जगह ही नहीं है कि कोरोना काल में देवास पुलिस ने काफ़ी उत्तम कार्य किया है और काफ़ी कुछ बीमारी अभी कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ काम किए जाना बाकी है। बहुत अच्छी जो कार्रवाई देवास पुलिस में मालूम हुआ वो थी कि जो प्रवासी मजदूर काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आए थे, जो हमारे प्रदेश के भी नहीं थे, बाहर के भी थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था उन सभी लोगों के लिए की। देवास पुलिस उसके लिए धन्यवाद की बात है। एक और बहुत अच्छी चीज़ रही कि हमारे देवास कर्मचारियों ने बहुत सावधानी अपने प्रति दिखाई, और जिस कारण कोई भी कर्मचारी हमारा दौरान संक्रमित नहीं हुआ, कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी और बहुत मेहनत से और सभी के सहयोग से एक अच्छी कार्रवाई पुलिस ने कोरोना के। सर, अभी नए आदेश कौन से दिए हैं? सर देखिए, अभी चूँकि जैसे ही लॉकडाउन खुला है, इसके बाद हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि लोगों का आवागमन बढ़ गया है, उसके साथ ही जैसे आवागमन बढ़ा है, अपराध भी ज़्यादा बढ़ा है। तो अब हमें कोरोना के बाद अपनी ड्यूटी कैसे अच्छी मजबूती से करनी है, आज इसी बारे में हम लोग।